ये कहानी है हर उस व्यक्ति की जिसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ इंटीमेट पार्टनर उसे मारती है, उसे गाली देती है, फेक केस में फंसाने की धमकी देती है। हर उस लड़के के लिए मैसेज है, हमारा लॉ जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे तो सारे ही लॉ आपके खिलाफ है। लेकिन क्या हो जब लड़के को लड़की मारे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी लड़की लड़के को मारे तो लड़कों के पास क्या अधिकार है? अक्सर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 50% लड़के विक्टिम होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ उन्हें ब्लैकमेल करती है, मारती है, इंजरी पहुंचाती है, गाली गलौज करती है। इसके 50% हमारे हिंदुस्तान में 50% लोग इसके विक्टिम हैं। तो हर उस लड़के के लिए मैसेज है, आपकी वाइफ अगर आपको मारे, ये दो सेक्शन याद रखना, किसी से डरना मत, एक वीडियो बना लेना, आईपीसी सेक्शन 325, आईपीसी सेक्शन 323, ये ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के सेक्शन है। इनमें आपकी वाइफ को 7 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी 325 में। वो सजा का ग्राउंड, जितनी फोर्स से आपको मारेगी उस हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी, जितना ग्रीवियस हर्ट आपको पहुंचाएगी। और अगर आपकी वाइफ आपको किसी झूठे केस में फंसा देती है, बाद में प्रूव हो जाती है कि उसने जो स्टेटमेंट दी झूठी है, फैब्रिकेटेड, उसने एविडेंस दिखाए, झूठे एविडेंस दिखाए, बाद में प्रूफ हो जाता है, आईपीसी सेक्शन 192 अट्रैक्ट होगा ऐसी महिला को, झूठी स्टेटमेंट्स देने पर, झूठे एविडेंस देने पर, फैब्रिकेटेड फॉर्ज चीजें देने पर उस महिला को 7 साल की जेल का प्रावधान। ये अपने हर दोस्त को शेयर कर देना जो अपनी वाइफ से डरते हैं कि वो उन्हें ब्लैकमेल करती है, मारती है, और वो घबराते अपनी वाइफ से, उनको भेज देना कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास भी लॉ है। हर व्यक्ति के लिए मैसेज है ये। और अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी लीगल सलाह की जरूरत हो तो टेंशन लेने का आपको भाई बेटा है। धन्यवाद। जय श्री राम।